हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग, जो आपकी टीचिंग जॉब सिलेक्शन में आपकी 100% हेल्प करेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि लास्ट वीक किसी अर्जेंट काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, परंतु आगे ऐसा नहीं होगा। आपको वीक में 3 या 4 वीडियो ज़रूर मिलेंगी। सो आज हम बात करेंगे उस कंटेंट की जिसमें अक्सर कैंडिडेट कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें तो करें कैसे, यानी कि किन किन टॉपिक्स को और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करें, यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो सिलेबस या पैटर्न कैसे तैयार करें। इवन मैंने मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को देखा है, वो किसी ना किसी साइट पर जाकर, गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर चेक भी करते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम का सिलेबस है क्या। बट आपको इस चैनल में सबसे बेहतर तरीके से मैं बताऊँगी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का सिलेबस होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। और पहला टॉपिक है आप सभी के सामने टेट सिलेबस। अब टेट सिलेबस क्या होता है ये जानिए। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षण योग्यता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसे एक भर्ती परीक्षा माना जाता है। यह परीक्षा किसी भी सरकारी शिक्षण भर्ती के लिए अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। यानी इस टेस्ट को क्लियर किए बिना आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। मींस अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप यानी कि एलिजिबल कब होंगे इस टेस्ट के लिए, जब आप टेट क्लियर कर चुके हैं। यानी कि आप अप्लाई कब कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए, जब आपने टेट क्लियर कर चुके हैं या क्लियर किया हुआ है। इट मीन्स सिंपल शब्दों में अगर इसका पूरा वर्णन अगर सिंपल एक लाइन में कहूँ तो ये है कि टेट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। यह 2 लेवल्स में डिवाइड है, यानी कि जिसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा पेपर 1, यानी कि पेपर 1 होता है 1st to 5th लेवल, यानी कि स्टैंडर्ड या क्लास के अकॉर्डिंग होता है। और पेपर 2 है वो हमारा 6th to 8th, यानी कि 6th class to 8th class तक एलिजिबल माना जाता है। और इस टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। और मोस्ट ऑफ आपको एक सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो टेट होते हैं वो हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट वाइज इनको लिया जाता है। फॉर एग्जांपल सी टेट जो दिल्ली में होता है, यूपी टेट जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए होता है, आर टेट जो राजस्थान टेट है, ओ टेट यानी कि उड़ीसा टेट एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारी जितनी भी स्टेट हैं जहाँ पर टेट एग्ज़ाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इन सभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम होता है, हमेशा याद रखना उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उनका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सेम ही होता है, चाहे वे किसी भी स्टेट का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का, उड़ीसा, केरला, आप किसी भी टेट को ले लीजिए, सबका जो सिलेबस है वो काफ़ी सेम होता है। काफ़ी क्या, मोस्ट ऑफ 100% सेम ही होता है। कुछ चीज़ें होंगी या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ सेम ही होता है। सो चलते हैं हम अपने पहले पेपर की ओर, यानी कि हम बात करेंगे टेट सिलेबस फॉर पेपर 1, यानी कि पेपर 1 जो हमारा 1st to 5th class के लिए मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षण या अध्यापन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये एक टॉपिक होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है जिसको अच्छी तरीके से कोचिंग्स में आप सेल्फ स्टडी करें तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट माना गया है, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल के बारे में बताया जाएगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप बच्चों के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक के विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो प्राइमरी लेवल तक ही सीमित रहेगा। सेकेंड है आप पढ़ेंगे इसके अंदर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि कैसे कैसे बच्चे के अंदर जो गुण हैं, यानी कि जो उसके अंदर हेरिडिटी यानी कि जो वंशानुक्रम जो गुण आते हैं वो कैसे आते हैं, किस चीज़ पर आधारित है, वो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, यानी कि एक कक्षा के या एक बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए वो आप इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको मोस्ट स्कोरिंग यानी कि मोस्ट ऑप्टेन मार्क्स हैं, यानी कि आप मोस्ट ऑफ इन्हीं टॉपिक्स को करके आप मोस्ट स्कोरिंग मार्क्स गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये आपका टेट एग्ज़ाम क्लियर करने में ये मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे। तो सेकंड पॉइंट था हमारा पियाजे, कोलवर्ग एंड वाइगोत्स्की, ये हमारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इन तीनों के बारे में टेट के एग्ज़ाम में 3 या 4 क्वेश्चन तो ज़रूरी आते हैं। पियाजेट की आपकी यानी कि जितने भी थ्योरी होते हैं, उनके जितने भी मेथड्स होते हैं, उनके जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, आपको उनको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, थ्रो आउट करना है, तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे।
थर्ड पॉइंट आता है हमारा अबाउट असेसमेंट एंड सीसीई, यानी कि ये एक रचनात्मक जो आकलन होता है, कैसे निरीक्षण किया जाता है, कैसे बताया जाता है बच्चों को, कैसे एडवाइस किया दी जाती है उन्हें। जैसे आजकल आज के टाइम में क्या हो गया है कि जो FA1 और SA1, यानी कि FA और SA में बांट दिया गया है क्लासेस में। तो FA होते हैं हमारे 4, यानी कि ईयरली हमारे 4 होते हैं, और ऐसे 2 होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है 6 बार एग्ज़ाम होते हैं किसी भी एग्ज़ाम किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग। सो उस चीज़ के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हम आता है स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन का मतलब होता है वे बच्चे जो अपंग हैं, विकलांग हैं, यानी कि डिसेबल कह सकते हैं, प्रॉब्लमैटिक कह सकते हैं, यानी कि वो किसी न किसी दोष के कारण युक्त हैं, यानी कि उनको दोषित यानी कि दोषयुक्त कहा जा सकता है। उन सभी टीचर यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा जिसके अंदर आप टैलेंटेड एंड क्रिएटिविटी जो स्टूडेंट होते हैं। टैलेंटेड का मतलब होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो एडवांस माइंड होता है जिनका, या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा लर्निंग पैडागॉजी का मतलब है अधिगम शिक्षण। अब अधिगम शिक्षण के अंदर क्या आता है कि आप सबसे पहले इमोशन एंड मोटिवेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, संवेग और अभिप्रेरणा, एंड लास्ट वन इज़ पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या आता है व्यक्तिगत समस्याएं और वातावरण से रिलेटेड चीज़ों को ऑप्टेन करें, यानी कि उन ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन सभी को आप अच्छी तरीके से रीड आउट करें, थ्रू आउट करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ें जो मोस्ट ऑप्टेनिंग टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, यानी कि टेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसकी पैडागोजी को क्लियर करने के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन आप सभी को पता होगा कि जो लैंग्वेज वन है वो हमारी हिंदी होती है और लैंग्वेज टू हमारी इंग्लिश होती है। अब लैंग्वेज वन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आती हैं, देखिए लैंग्वेज वन में आपको 5 टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग आप हिंदी के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं। पहला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अपठित गद्यांश या काव्यांश, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। इन दोनों में से आपको कुछ 6 से 7 या 8 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर पहचान कर उनके अंदर टिक करना है। सेकेंड है हमारा SLRW, ये स्किल होती है हमारी, यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल, इन चारों कौशलों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अच्छी तरीके से आप पढ़िए। लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषाई कौशल्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। टीचिंग मटेरियल यानी कि जो शिक्षण सामग्री है आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। एंड लास्ट वन इज़ ग्रामर पोर्शन, और ये याद रखना हमेशा जो व्याकरण पोर्शन होता है, जो ग्रामर पोर्शन होता है हिंदी का, उसे अच्छी तरीके से एनालाइज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल आप सभी को बता दूँ, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, हमारे रस या छंद, उनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या हिंदी में संधि हो गई, उनसे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो व्याकरण पोर्शन को आप मत भूलिए, ये सारी आप ये तथ्य आपको स्कोरिंग यानी कि जो आपका टेट एग्जाम है उसकी स्कोरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंग्वेज टू। अभी मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज टू होती है हमारी वो इंग्लिश होती है, जिसे इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको मोस्ट स्कोरिंग लगते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेज जो इंग्लिश में भी आता है, या आपको एक पोएम दे दी जाएगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, उसमें से अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कॉम्प्रीहेंशन वाले टॉपिक को आप ज़रूर अच्छे तरीके से उनकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर जितना भी हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकेंड हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि सीखना और अधिगम, इन दोनों के बारे में आप डिफरेंस करना सीखिए, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, इनको इन कंपैरिजन करना सीखिए, इनकी तुलना करना सीखिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कीजिए, ये भी आपके स्कोरिंग है। थर्ड है हमारा लैंग्वेज स्किल, अभी मैंने आपको हिंदी में बताया और इसके अंदर भी इंक्लूड किया जाता है इस पॉइंट को। लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है भाषाई कौशल। और फोर्थ पोर्शन है SLRW, ये स्किल, ये वाला स्किल वाला यानी कि ये जो कौशल है SLRW, यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये चारों क्वेश्चनों से, यानी कि ये वाला जो स्किल वाला ऑप्शन था, इससे भी रिलेटेड मोस्ट ऑफ आपको 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यानी कि जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, टीचिंग मटेरियल। अब टीचिंग मटेरियल में ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हिंदी में भी आया था, यानी कि शिक्षण सामग्री, और ये इंग्लिश में भी आता है,
और इंग्लिश के जरिए आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछते हैं कि टीचिंग मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें मेन होनी चाहिए, वो सब आपको इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज़ ग्रामर पोर्शन। ये जैसे ही सेम टू सेम हमारा हिंदी के अकॉर्डिंग है, ग्रामर पोर्शन यानी कि जो व्याकरण पोर्शन होता है हमारे, पैसिव हो गए, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और आप इनको अच्छी तरीके से करना ना भूलें। और हमेशा याद रखना, जो मोस्ट ऑफ वोकैब है, वोकैब को आप अच्छी तरीके से सुधारेंगे तभी आपको ग्रामर पोर्शन अच्छी तरीके से एनालाइज होगा। और आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप वोकैब को अच्छी तरीके से करें तो ये आपको मोस्ट स्कोरिंग होगा आपके लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स यानी कि गणित में क्या करना है आपको। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें जो मैथ्स है वो कौन से लेवल तक की करनी है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, मोस्ट ऑफ आपको जो टीचिंग लेवल है वो आप 10th तक के लेवल का कीजिए, चाहे वह PRT हो, चाहे वह TGT हो, चाहे PGT हो। आपको मोस्ट ऑफ जो मैथ्स का लेवल है वो 10th तक ही रखना है। अगर आप PGT के लिए जाते हैं तो आपको 12th तक की करनी है। बट अगर आप PRT या TGT के लिए आ रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो मैथ्स का लेवल है वो 10th तक का रखना होगा, जिसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे पैडागोजी एंड थ्योरी। ये तो आपको पता होगा कि मैथ्स के अंदर पैडागोजी और थ्योरी नहीं होती है। ये आपको टीचिंग के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और आपको इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से को थ्रो आउट रीड आउट करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन से थ्योरी से रिलेटेड, उसकी पैडागोजी से रिलेटेड, वो मोस्ट ऑफ मैथ्स में जो होती है उन सब से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सेकेंड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में शेप्स हो गई हमारे, सर्कल हो गए, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे, शेप्स हो गई। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में एलसीएम हो गए हमारे, मल्टीप्लिकेशन हो गई या एलसीएम हो गए, जो भी हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब ये याद रखना, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं ये हमारे नॉर्मल क्लास के अकॉर्डिंग नहीं होते कि आपको कुछ डिजिट्स दे दिए और उनको ऐड कर लिया, नहीं। या तो आपको डेसिमल यानी कि दशमलव के अकॉर्डिंग दे देंगे, या कोई आपको लंबी यानी कि जो लॉन्ग होती है एडिशन, फ्रैक्शन वाली एडिशन दे देंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जो थोड़े लेवल की हो, यानी कि जो ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल ही बच्चों के लेवल का एग्ज़ाम हो उसके अकॉर्डिंग ही मैथ्स आती है, नहीं। हमेशा याद रखना, जो मैथ्स होती है थोड़ी सी अपर लेवल की आती है, जिसमें एक बच्चे का यानी कि एक कैंडिडेट्स का जो माइंड है वो काफ़ी शार्प होना चाहिए। और शार्प करने के लिए आपको रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा टेट पेपर वन का, यानी कि EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब इसके अंदर क्या आता है, पैडागोजिस इशूज़, यानी कि पैडागोजी हमारे शिक्षण इशूज़ होते हैं, यानी कि शिक्षण से रिलेटेड EVS के अंदर क्या मोस्ट टॉपिक्स हैं, आपको उसको अच्छी तरीके से रीड करना है। सेकेंड है साइंस टॉपिक, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल है, ये हमेशा याद रखना, इसके अंदर जो साइंस टॉपिक दे रखा है ये ना तो आपको 10th के लेवल की करनी है ना 12th के लेवल की करनी है। इसके अंदर जो आपको साइंस का जो लेवल है वो 6th क्लास या 5th क्लास तक का होता है, जिसमें आपको फैमिली के बारे में, शेल्टर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ये छोटी मोटी चीज़ों को जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसी के बारे में आपको रीड आउट करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो आपको अच्छी तरीके से, जो आपने बचपन में ही पढ़ चुके हैं बट उसको थोड़ा सा बस रीड आउट करना है, तो आपका ये मोस्ट स्कोरिंग हो जाएगा EVS का पॉइंट। तो ये थे हमारे टैट पेपर वन के टॉपिक्स, जो आपको अच्छी तरीके से स्कोरिंग यानी कि जो आपको PRT लेवल का जो होता है पेपर वन, उसको स्कोरिंग, उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा टेट सिलेबस फॉर PRT यानी कि पेपर टू। इसके अंदर PRT को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये याद रखना, इसके अंदर PRT को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसके अंदर TGT को और PGT को इंक्लूड किया जाता है। सो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट है हमारा सेम एज पेपर वन, जितने भी अभी हमने लास्ट में 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे पेपर वन के अंदर, वो सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर एडिशनल 2 सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाते हैं हमारा साइंस एंड SST। साइंस एंड SST में क्या होता है, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड पैडागॉजिकल इश्यूज़, ये सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमारी हिस्ट्री में जितने भी अब तक 8th या 10th के लेवल तक की आप अच्छी तरीके से NCERT की बुक्स को एनालाइज़ कीजिए, मोस्ट आपको मैं प्रेफर करूँगी, अगर आपको टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है
तो मोस्ट ऑफ आप एनसीईआरटी की बुक्स को रीड आउट कीजिए, फिफ्थ क्लास के लेवल तक की, सिक्स क्लास के लेवल तक की आप अच्छी तरीके से साइंस और एसएसटी की कर लेंगे तो ये आपके लिए सफिशियंट है आपके पेपर वन और पेपर टू क्लियर करने के लिए। तो ये था हमारे टैट पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस, जो आपको मोस्ट ऑफ स्कोरिंग है जो आपके इस सिलेबस में। वैसे तो मैं अगर आपको बता दूँ बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, यानी कि आप अगर मैथ्स में अगर और भी देखें तो और भी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, ईवीएस में देखेंगे तो और भी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, बट मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डाला है जो मोस्ट स्कोरिंग है या मोस्ट ऑप्टेनिंग है, यानी कि जो अब आपको आपके जो मार्क्स हैं उनको और ज़्यादा लाने में आपकी मदद करेंगे और जो आपको क्लियर करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की ओर। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्या बताया गया है देखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा KVS, NVS, NCERT, PRT सिलेबस। अब इसके अंदर देखो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को मैंने ये देखा है कि वो लोग ढूंढते रहते हैं, वो लोग सर्च करते रहते हैं कि कहीं KVS का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज तो नहीं हो गया, कहीं NVS का तो नहीं हो गया, मतलब चेंज तो होता रहता है। वैसे तो अकॉर्डिंग अगर मैं देखा जाए तो KVS का जो एग्ज़ाम था वो 2015 के अकॉर्डिंग, अब की बार का जो 2017 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया था। तो उसके अंदर क्या चेंज हो गया था, अभी जो हमारा रिसेंटली चल रहा है वो हमारा, ये मैं आपके सामने ये पैटर्न लेकर आ रखी हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिसेंटली है वो KVS का जो पैटर्न है वो चल रहा है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला है हमारा हिंदी, सेकंड है इंग्लिश, यानी कि हिंदी में अभी आपको मैं टेट के एग्ज़ाम में बता चुकी हूँ वही पोर्शन आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको टेट के एग्ज़ाम में बता चुकी हूँ उसके अंदर ये वो वाला पोर्शन भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पर याद रखना KVS के एग्ज़ाम में जो हिंदी है और इंग्लिश है वो ओनली 15 और 15 मार्क्स की आती है, यानी कि लिटिल बिट पोर्शन आता है। पर हाँ, इसके अंदर जो ग्रामर है, दोनों के अंदर ग्रामर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सो हिंदी और इंग्लिश को ऐसे ही ना छोड़े, उसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस करें। थर्ड है हमारा रीजनिंग, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति होती है, जो रीजनिंग से रिलेटेड मोस्ट ऑफ, हमेशा याद रखना जो टीचिंग की, जो टीचिंग के से रिलेटेड जो रीजनिंग होती है वो हमेशा याद रखना वो अपर लेवल की नहीं होती कि आप SSC, CGL या बैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग को करने बैठ गए, उसके अंदर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं आप सिटिंग अरेंजमेंट इनको करने बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। जो रीजनिंग होती है वो थोड़ी लो लेवल की होती है, जो आप इजीली कर पाएंगे और आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट इतनी भी इजी नहीं होती है कि आप उसे छोड़ ही दें, उसकी प्रैक्टिस ही ना करें कि हाँ एग्ज़ाम आएगा तब देखी जाएगी, ऐसा ना करें। आपको रीजनिंग करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर उसका एक कोई ना कोई मॉक टेस्ट क्लियर करना है ताकि रीजनिंग भी आपकी अच्छी तरीके से होती रहे। फोर्थ है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। अब टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये याद रखना कि इन दोनों का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा बहुत सेम ही होता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जो टीचिंग की से रिलेटेड जो मैथ्स होती है वो कैसी होती है, जो हमारे 9th या 10th तक के लेवल, मैं आपको टेट एग्ज़ाम में भी बता चुकी हूँ, 9th या 10th तक के लेवल की आपको मैथ्स करनी है, जिसके अंदर आप शेप्स कर सकते हैं, हमारे जितने भी एरिया एंड पैरामीटर थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिफ्थ पोर्शन है हमारा जर्नल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, अब ये देखिए, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जर्नल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, वैसे KVS का जो अब की बार का जो पैटर्न था वो चेंज हो चुका था, और जिसके अंदर करंट अफेयर्स, मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं है कि हमें GS को ओनली करंट अफेयर्स के ऊपर छोड़ देना है, अगर हमें GS करनी है, हमारी GS स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें GS यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होनी चाहिए GS के अंदर, तब भी आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप ऐसा ना लेकर चलें कि करंट अफेयर्स ही होने चाहिए, मोस्ट प्रेफरेंस आप करंट अफेयर्स को दें, बट आपको 20% किसको देनी है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सभी को भी प्रेफरेंस देनी है। लास्ट था हमारा टीचिंग मैथडोलॉजी यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारी टीचिंग से रिलेटेड, हमारे टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट्स को इसके अंदर डाला जाता है, उनके अंदर अभी जो टेट एग्ज़ाम में आपने पैडागोजी के बारे में पढ़ा, उसी से थोड़ा सा अपर लेवल अगर हम चले जाएं तो टीचिंग मैथडोलॉजी आ जाता है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ कंटेंट आते हैं, मोस्ट ऑफ टफ से टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं आप सभी के सामने, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा, बट उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है,
रेगुलर आपको 2 या 3 घंटे आपको टीचिंग मेथडोलॉजी में देने, तभी आपको मार्क्स स्कोरिंग करने में आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकेगा, स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए मैं पहले पिछली वीडियो भी लेकर आ चुकी हूँ, 2 वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी की, अभी मैं नेक्स्ट भी लेकर आऊँगी। आप बस देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेशली फॉर DSSB PRT। अब मैंने इसके अंदर ये, आप लोगों को अब ये लग रहा होगा कि मैंने ओनली सिर्फ PRT के लेवल को क्यों इंक्लूड किया है। अब PRT के लेवल को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि TGT और PGT के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से एनालाइज़ करूँगी कि TGT और PGT के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है, उसको इजीली समझना काफ़ी आसान नहीं होता है, इसीलिए मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए आप इतना ही देखिए। अब DSSB में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश है वो नॉर्मल हमारे टैट एग्ज़ाम और KVS एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होती है, जिसके अंदर आपको ग्रामर पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग भी हमारी सेम होती है, पर ये याद रखना इसके अंदर जो रीजनिंग होती है वो थोड़ी सी अपर हो जाती है, यानी कि जो अपर लेवल की हो जाती है रीजनिंग, नॉर्मल नहीं होती है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते जो आप इजीली कर सकते हैं, थोड़े से माइंड ये फोकस की ज़रूरत होती है, इसलिए रीजनिंग को अच्छे तरीके से करना है आपको इसके अंदर। फोर्थ है हमारा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स। अब KVS के एग्जाम्स में क्या था, जो पिछला जो अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके अंदर क्या था कि जो मैथ्स का था उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन रीजनिंग के साथ, मतलब दोनों का मिक्सअप आता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि जो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो मैथ्स का पोर्शन है वो सेपरेट आता है, उसके अंदर आपको, इसके अंदर आपको सेपरेट क्वेश्चंस दिए होंगे रीजनिंग से अलग, जो आपको अच्छे तरीके से स्कोरिंग करने हैं, अच्छे तरीके से क्लियर करने पड़ेंगे उन क्वेश्चंस को, और ये सब किसकी वजह से होगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि पूरे मैथ्स के जितने भी पार्ट्स में डिवाइड है हमारा मैथ्स, उन सभी पार्ट्स की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका DSSB का एग्ज़ाम क्लियर होगा। एंड लास्ट वन इज़ जनरल इंटेलिजेंस, ये तो मैं आपको पिछले पॉइंट में बता चुकी हूँ, सेम एज इट इज़ वही पॉइंट है, जिसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस के अंदर GS को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी GK को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है इस चीज़ के लिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पर तो देना ही है, पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको GK पे, यानी कि जनरल नॉलेज पर देना है, क्योंकि जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें इसके अंदर मोस्ट पूछी जाती हैं, जो मोस्ट स्कोरिंग है आपके लिए, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर्स, ये इन सभी पार्ट्स को करना ना भूलें। करंट से रिलेटेड जितने भी हमारे हिस्ट्री, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उन सभी पॉइंट्स को भी आप करके जाएं तो ज़्यादा बेटर था। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, यानी कि जो सिलेबस था ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे अब तक के लिए, और मैं ये आपको सबसे पहले लेकर आ चुकी हूँ, सबसे पार्ट वन ही है ये आप सभी का। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी बेहतर लेकर आऊँ, कुछ अच्छा लेकर आऊँ, कुछ नया लेकर आऊँ, कुछ नया सिलेबस लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी स्पेशली एजुकेशन साइकोलॉजी फर्दर टॉपिक। पिछली वीडियो मैं 2 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी की, और आगे भी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करें इस चैनल को, शेयर ज़रूर करें। मैं बस यही चाहूँगी कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और भी अदर वीडियोस हैं उन सभी को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये याद रखना, ये जो मैंने आपको वीडियो बताई है अभी सिलेबस की, उसे ऐसे ही आपको देखकर नॉर्मली ऐसे छोड़ नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को, टैट के एग्ज़ाम को, KVS के या DSSB, कोई भी आपके सामने टीचिंग का एग्ज़ाम हो, आप उसे जल्द से जल्द क्लियर कर सकते हैं। सो बस थैंक